इसका झुकना मनाना, तो मैंने कहा था सबको हाथ जोड़ लिया, उसका हाथ जोड़ना देख लो कोई कितना सही हो रहा है, जूडू देखना आगे है ना भाई, बहुत सही मौसम हो रहा है ना। की जगह कम है अभी, वो तो मैं भी साथ ही चल रहा हूँ ना, पेटी लेकर आनी है वहां तक। वो तो सब ठीक है, अभी तो ये बता मेरा सपना क्या था। तेरा सपना था अल्टो लेने का। भाई बकवास कर रहा अभी तो ये, खैर पर अभी इसने मेरे को एक याद दिलाई चीज कि क्या था, मतलब मेरा जो मतलब शुरू में जो मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी, तो मैंने किसी व्लॉग में ये बोल रखी थी बात कि अपना जब ये नया घर जो हमने लिया है वो रेडी हो गया, उसमें आज पूजा है, मतलब वो है कीर्तन है आज, है ना, आज तो कीर्तन है तो वो है, उसके बाद कल जाके कल हवन है, उसके बाद फिर हमारा शिफ्ट हो जाएगा, है ना, सारा ये वाला सीन है। तो जब हमने घर लिया नहीं थे ना, तो उस टाइम पे मैंने एक वो था कि सपना टाइप से ऐसे किसी व्लॉग में बोल रखा था, दांतरे ने याद दिलाया कि जब नया घर रेडी होएगा तो उस टाइम पे एक नई गाड़ी खड़ी कर देंगे घर पे, कि भाई नई गाड़ी लेके आएँ, और वो नई गाड़ी थी वरना, मतलब कि ऐसा था कि वरना गाड़ी ले आएंगे नई, तो मतलब वरना तक ही सोच जा पाई उस टाइम पे, फॉर्चुनर तक गई नहीं थी, तो वरना की जगह फॉर्चुनर आ गई, नई गाड़ी भी आ गई और हमारा घर भी मिल गया। तो मतलब जो एक सपना था कि भाई पहले का कि नए घर में जब नया घर की वो होएगी, मतलब चाबी मिलेगी तो गाड़ी नई खड़ी हो, तो गाड़ी तो खड़ी है अब, है भाई दांतरे। चलो मैंने कहा यार दांतरे ने बताया, तुम्हारे साथ शेयर कर लूँ, बैठे बैठे याद दिला रहा था दांतरे। तो वरना का था तो वरना ही लेकर आना, वरना लेके आएंगे। अब क्या आज कितनी तारीख है, आज 5 6 है ना, 6 सितंबर है ना, वरना लेके आएंगे ठीक ठीक आज से ठीक 1 महीना 15 दिन बाद, 1 महीना 15 दिन मतलब 21 अक्टूबर को वरना लेके आएंगे, ठीक है भाई, डन है 110%, मतलब ये समझ लो तेरे पहनावा वो क्यों फाइनल 2023 मॉडल क्यों करना, 24 ही ले ना, ना ना क्यों ना 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 किरे दांतले, वो है क्या नाम है, कुछ है स्पेशल अभी नहीं बता रहा, अरे अभी सारा कंटेंट अभी दे दूं क्या तुम लोगों को, सब कुछ अभी बता दूं, सारी चीज एकदम थोड़ी बताऊंगा। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। अभी भाई मुंह भी नहीं धोया सुबह उठ के, दांतरे ने ये चीज याद दिलाई तो याद आ गई, मैंने कहा शेयर कर लूं तुम्हारे साथ, उठ के फिर आराम से नहा धो के बात करेंगे, तुम्हें अपना पूरा दिन का प्लान बताता हूं, आज बहुत ज्यादा बिजी दिन है आज हमारा। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस, नहा के तुम्हारा भाई रेडी हो गया है, और ये देखो भगत जी, अरे दांतरे ये बंद कर ले भाई आवाज, आवाज बंद कर ले, वाह वाह, कुर्ता पजामा पहन के कहां जा रहा भाई, क्या स्पेशल आज ऐसा है, रील बना रहा हूँ भाई, अच्छा सोची फॉर्च्यूनर आई है, नहीं नहीं एक रील तो बनती है फॉर्च्यूनर के साथ, मेरी मैं आप क्या खा रहे हो, मम्मी का लंच चल रहा है भाई, मम्मी का थोड़ी सी तबीयत डाउन है ना, मम्मी अब ठीक हो, तो भाई आज का हमारा थोड़ा सा दिन बिजी है, आज तो रात भी बिजी है, मम्मी रात कितने बजे कीर्तन, 8-9 बजे कीर्तन शुरू हो जाएंगे हमारे घर में, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था नया घर हमारा रेडी हो गया, पोजीशन मिल गई, चाबी मिल गई, सब कुछ ओके हो गया, अब उसमें पहले कीर्तन होएंगे, कल हवन होएगा, उसके बाद शिफ्टिंग होएगी, क्योंकि जब तक कोई ऐसा शुद्ध काम नहीं हो जाए, मतलब पवित्र काम ऐसा नहीं हो जाए, तब तक ऐसे वो नहीं करते, शिफ्ट नहीं करते अपने घर में, तो इसलिए मम्मी ने कहा भाई पहले ये करना जरूरी है, मैंने कहा ओके हमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। उससे पहले हम लोग जाएंगे एक बार कपड़े लेने के लिए, यार ये डेली डेली कपड़े हो गया मेरे, नहीं इसके लाएंगे मच्छर के, क्योंकि इसके पास ना कुछ वैसा सूट वूट नहीं है, अब साइज़ थोड़ा वो हो गया ना अलग, थोड़ा नहीं बहुत ही अलग हो गया, तो उसके चक्कर में कुछ है नहीं, तो वो लेने जाएंगे, क्योंकि कल हवन पे भी पहनना है और आज रात को भी कुछ नया मतलब वो कुछ अलग पहनना है सूट वूट टाइप्स, तो वो देखने जा रहे हैं। क्या साफ हो जाती गाड़ी वाला ना, है ना साफ करने वाला आज, अगर गाड़ी फॉर्च्यूनर गंदी हो रही है, फॉर्च्यूनर भी वो दोनों स्कॉर्पियो, अरे भाई हबीबी की गैल बनेगी ये रे, अच्छा फॉर्च्यूनर का भी तो कुछ नाम वाम रखने का मैं सोच रहा हूँ, नाम रखा है कुछ जैसे अभी भी रख रखा है मम्मी, ऐसा फॉर्च्यूनर कोई नाम रखे, इक्का इक्का इक्का, ये कैसा नाम हुआ इक्का, अरे इक्का भाई इक्का बढ़िया लग रहा है, बड़ा इक्का और सबसे बड़ा इक्का इक्का है मम्मी, इक्का बढ़िया लग रहा है नाम, इससे बड़ी तो और भी है गाड़ी, इससे बड़ी और भी ओके, तो गाड़ी हो कितनी पे बेशक कितने करोड़ की हो हमारे पास, जो हम उसका नाम रखेंगे इक्का, इक्का तो अच्छा सा नहीं लग रहा यार, दादा ने कुछ और सोच, कुछ बढ़िया नाम सोच गाइस, इसके थोड़ी सी हेल्प करो, तो बढ़िया नाम बताओ, एकदम मुंह में तो निकला इक्का, नहीं मैंने सोचा वो चना था, एकदम मुंह में तो ऐसा थूक निकल जाएगा, थूक रख देगा कह रहा इक्का, ये क्या बात हुई इक्का, कुछ बढ़िया नाम सोच के बताना, वरना ये तो कुछ ऐसा इक्का ना यार, मजा से नहीं आया, कमेंट करके बताओ अच्छा लग रहा नहीं लग रहा। गाइस ये तुम भरी हुई पार्किंग देख रहे हो, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है ये, पता नहीं किस किस की पार्किंग है, पर अभी हम ये नहीं लेके जा रहे यार, अच्छा सा लग रहा है ना कलेक्शन ऐसे,
ऐसे अच्छा। ओ हाँ यार ये फॉर्च्यूनर इतनी गंदी कैसे हो रखी है भाई। अच्छा ये कल हम मंदिर गए थे ना तो वहाँ पे वाह कितनी अच्छी राइटिंग है यार तेरी, मेरी तो बहुत गंदी राइटिंग है ऐसे हैंड राइटिंग तो। पर ये गाड़ी उस वजह से गंदी हो गई, धूल मिट्टी उड़ रही थी वहाँ बहुत ज़्यादा, मैंने कल वाले व्लॉग में शायद दिखाया भी था। एनीवेज अपना निकलते हैं भाई। क्या लिखा, क्या लिखा है तूने भाई? रुचीज कार मनीष नो जतिन नो, वाह मनीष भी नो लिख दिया, जतिन भी नो लिख दिया, मतलब हम चला भी नहीं सकते, हमारी कार नहीं है। साफ कर सकते हम, साफ कर सकते हैं। थैंक्स थैंक्स मैन थैंक्स भाई। वैसे जिस सोसाइटी में हम अभी रह रहे हैं ना, मैं अगर अपनी दिल की बात बताऊं, मेरे को पर्सनली मेरे को बहुत पसंद है ये वाली सोसाइटी। ये थोड़ा सा ऐसा है कि रिच सी भी लगती है, मतलब बढ़िया सोसाइटी है और नई नई सी बनी है ना, तो मेरे को और घर भी यहाँ का बड़े बड़े से हैं बहुत, मतलब कमरे भी बड़े हैं और वैसे भी थोड़ा स्पेशियस है, तो मेरे को पसंद है। पर ये हमें खाली करनी पड़ेगी कुछ दिन में, मतलब एक महीने के अंदर अंदर ये हमें यहाँ से खाली करना पड़ेगा घर। कुछ दिन तक ये रहेगा कि हमारे पास ये घर भी है, हमारे पास जो नया वाला जिसमें आज हवन है, नहीं आज वो कीर्तन है और कल हवन है, वो भी है, और हमारा जो ऑफिस अभी है वो भी है। तो मतलब कुछ दिन के लिए तो हमारे पास तीन घर रहेंगे, चार घर, पर उसके बाद फिर हमारे पास दो हो जाएंगे सेम बिल्डिंग में ऊपर नीचे। फिर हमारी ये जो टेंशन है ना कि कीवी के चक्कर में कभी उधर भागो फिर इधर भागो, वो खत्म हो जाएगी, फिर जिंदगी ना थोड़ा सा वो हो जाएगी सॉर्टेड, फिर इतनी टेंशन रहेगी नहीं। गाइज मैं ना थोड़ा सा लो फील कर रहा था, उन कपड़ों में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, मैंने पूरे मतलब सारे कपड़े चेंज कर लिए अपने ऊपर से नीचे तक, जोड़ू कपड़े चेंज करके आ गया मैं यार जल्दी जल्दी में। मेन चीज़ जो मेरे को करनी थी, जो मैंने तुम्हें बताया था कि फॉर्च्यूनर में एक मेन मॉडिफिकेशन जो करनी है, वो भूल गया यार। अब बड़ा दुख हो रहा है, मैं सुबह मतलब मैं अब नहाया भी इसी चक्कर में था कि नहा के और फिर करूँगा, पर कर नहीं पाया। अब जाके सबसे पहले मेरे को गाड़ी चलानी है। आपको गाड़ी चलानी है? यस। तो चला लो, आ जाओ लगाओ साइड। ये नहीं तो कौन सी चलानी है? मेरी वाली। आपकी वाली? ओहो वो तो पर वहाँ पे है, शोरूम पे खड़ी है अभी, आई नहीं। नहीं 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 भाई, इसको देख, नई गाड़ी है। फॉर्च्यूनर चलानी है? हाँ। अबे मच्छर थी वो अभी चला नहीं सकती। हाँ। फॉर्च्यूनर चलाऊंगा बेटे, अभी उसमें ना पहली बात तो बहुत पांव दूर है ऐसे, आगे हो जाती है, और प्रेगनेंसी में आप चला नहीं सकते गाड़ी। आपने एक सेकंड आपने अभी तक स्विफ्ट चलाई है, थार चलाई है, स्कॉर्पियो चलाई है, कोई सी भी गाड़ी चलाई है जो आप सीधा फॉर्च्यूनर चलाओगे, नई गाड़ी और ऊपर से नहीं नहीं अभी प्रेगनेंसी में कह रहा हूँ, अभी नहीं चला सकते। अरे उसमें पांव बहुत दूर होता है, ऐसे दिक्कत आएगी। थार चलाइए, पहले चलाइए, अब इन दिनों में चलाइए, नहीं चलाइए ना? हाँ तो अभी नहीं चला सकते आप, कुछ दिन बाद आज नहीं चला सकते। क्यों डू बात, 10 की स्पीड पे चला लूंगी। अच्छा भाई एक बात बताओ, इसे कमेंट्स में बताओ कि प्रेगनेंसी में गाड़ी चला सकते हैं नहीं चला सकते, मतलब तो मैं एक बार गूगल करूंगा या डॉक्टर से बात करूंगा कि चला सकते हैं। चलाने देना प्लीज। हाँ ये लोग तो बोल देंगे, पर ये तो सही बताते हैं ना सब। हाँ ये सही बताते हैं, पर ये बोलेंगे नहीं, प्रेगनेंसी में गाड़ी नहीं चला सकते शायद, मतलब ऐसा होता है कि ड्राइव नहीं कर सकते, पैरों की कुछ दिक्कत, क्लच वगैरह, खैर उसमें क्लच है नहीं। मैं एक बार गूगल करके फिर चलाऊंगा, ठीक है? नहीं ये लोग बोलेंगे तो चलवा देना। हाँ ठीक है, मानोगे? हाँ ठीक है, बोल मत बोलना भाई, ठीक है कमेंट्स पढ़ लेना तुम। हाँ ठीक है ठीक है, बोलेंगे तो चलवा दूंगा, लेकिन 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 वाह पलट गई। देखो भाई वो तो चलो देख बता देना तुम जैसे भी, लेकिन जो गाड़ी का वो है मेन मॉडिफिकेशन, यार कितनी तेज लेके आए साइड में से, मेरे को अभी पीछे लगा हमारी गाड़ी है। हाँ हमारी जैसी है सेम। मैं क्या कह रहा था, मेन जो हमारी मॉडिफिकेशन है वो अभी एक बार जो हमें काम है वो निपटाएं और उसके बाद वापस आके उसके बाद करेंगे। मैं बताती हूं नहीं, तू ही तेरे हाथ से ही करवाऊंगा, ठीक है? क्योंकि तुम्हें अभी तक कुछ करा नहीं, चलाने का ये बताएंगे, तूने कहा ना ये बताएंगे, तो कल वाले व्लॉग में बताएंगे, उसके बाद आज थोड़ी बताएंगे, व्लॉग देख के ही तो बताएंगे बेवकूफ। प्लीज प्लीज ठीक है भाई, कमेंट करके बता देना। गाइस जैसा कि आपको पता है कल हमने बाहर खाना खाया था रात को, जनरली हम खाते नहीं है, तो इसलिए अब हम जैसे बाहर निकले ना तो अभी हो गया कि लंच का टाइम था, तो हमने क्या करा खाना पैक, अरे यार ये कट पे लेनी थी क्या? नहीं नहीं ऊपर ही। हाँ तो हमने खाना पैक करवा लिया, ये देखो पराठा और इसमें सब्जी आलू और प्याज की, ठीक है? तो वो रोल सा बनवा के दे, मतलब दो वो बनवा के सेट, और वो ले लिया ताकि भूख लगे तो खा लेंगे। लेकिन हमें रास्ते में ही भूख लग गई, मतलब अभी हम पहुंचे भी नहीं है मॉल तक और उससे पहले हमें भूख लग गई, तो हम ऐसे खा रहे हैं। और तुम्हें एक चीज ये बता रहा कि जब हम ऐसे खाते हो जाते ना तो ये खिलाती मेरे को ऐसे बीच में, एक ये खाएगी एक मेरे को खिलाएगी, और ऐसे खाते खाते हम ज्यादा और खा लेते हैं, मतलब भूख बढ़ती जाती है, ऐसा लगता है ज्यादा भूख लग रही है ऐसे टाइम पे, है ना? दोनों बराबर ही खाते हैं और ऐसा लगता है भूख खत्म भी नहीं होती, ऐसा लगता है कि और खाना खत्म हो जाता है, फिर ऐसा लगता है कि अरे यार खत्म हो गया चल कोई बात नहीं बाकी घर जाकर खा लेंगे, ऐसा लगता है। खिलाना मच्छर, इतनी देर थोड़ी कंट्रोल होगा। सही चलाने में सही है ये गाड़ी सी भाई, हमने एक सूट खरीद लिया है इसका जो इसको कल रात को नहीं कल दिन में पहनना है, या पता नहीं आज रात को पहनना है। उसके अलावा जो हमारी कल शॉपिंग रह गई थी
कर्टेंस वगैरह और काफी सारी चीजें वो हम करने के लिए आ गए हैं। ये मच्छर ढूंढ रही है कुछ कुछ सामान तो ले लेते हैं और घर निकलते हैं। भाई मेरे को पता नहीं क्या दिक्कत है, मैं शॉपिंग करने में बहुत ज्यादा थक जाता हूँ। सबसे टायरिंग काम मेरे को लगता है शॉपिंग करना। भाई मेरे को लगा था कि एक आध चीज लेनी है, अभी देखो कहाँ तक भरा हुआ है सामान। ये लेके कैसे जाऊंगा मैं ये सारी चीजें? आप छुड़वा दोगे? वेरी नाइस यार, थैंक यू गाइस। यार ये तो अंधेरा हो गया भाई, हम सामान लेके निकले हैं यहाँ से और अंधेरा ऑलमोस्ट हो चुका है। मतलब टाइम अभी ज्यादा नहीं हुआ, 5:30 बजे, लेकिन ये मौसम थोड़ा खराब है। 6:40 हो गए। ओ माय गॉड, मैं तो अभी 5:30 सोच रहा था, पर भाई कितना सही हो रहा है ना आगे, है ना भाई, बहुत सही मौसम हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं बाहर उसमें आ गए हो। अरे आज तो जन्माष्टमी है भैया, मतलब 6 और 7 दो दिन की है ना, तो यहाँ पे सेलिब्रेशन चल रहा है भाई, कुछ कुछ प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन हम अभी इसमें पार्टिसिपेट कर नहीं सकते, हमें कुछ काम है यार, अर्जेंट घर पे कीर्तन है, वरना तुझे नचाता है कि चल मैं कृष्ण जी तू राधा। मम्मी जी, बुआ जी, सुनाओ। आ रहा है, चीकू आ रहा है 15 मिनट में, निकल रहा है 5-7 मिनट में। भाई हमारा हो गया है वो, क्या नाम है उसकी तैयारी, किसकी? कीर्तन की। तो अब सब यहाँ वहाँ हर बैठे हैं, अब ये एकदम मतलब वहाँ घर पे जाएंगे सारे, कुछ खाना पीना चाय वाय पी के उसके बाद जाएंगे वहाँ पे, और फिर वहाँ पोएंगे भजन। मम्मी रात में भजन होंगे आज? वो तो कोई दिक्कत ना, भजन होंगे पूरी रात? पूरी रात होंगे, मतलब रात में 12 बजे जैसे कृष्ण जी का वो होएगा शायद, है ना, कि भाई जन्मदिन जन्माष्टमी के चक्कर में आज रात में 12 बजे भी होगा, कल रात में 12 बजे भी होगा। अच्छा, आज तो फिर 12 बजे तक करोगे या पूरी रात सुबह तक करोगे आप? 4 बजे तक करेंगे हम। अच्छा ओके, 4 बजे तक चलेंगे भजन। हाँ हाँ सब हो जाएगा, जैसा आप कहोगे वैसा हो जाएगा, कोई दिक्कत ना है। आइए आइए जाते हो, स्कॉर्पियो में गए भी माहर, तो 5 जने तो चले गए। आओ भाई बैठो, चलो आइए मम्मी जी, आइए आइए। अरे वाह मम्मी, आपने इतना सामान क्यों उठा रखा? और दांत रखा लिया था? इसके लगेंगे चप्पल मेरी साइड से 2-4 एक्स्ट्रा जी, मेरे से 2। दूसरी गाड़ी भी हमारी भर के जा चुकी है गाइस, उसके बावजूद हम 4 लोग रह गए हैं। अब तीसरी गाड़ी की बारी, तीसरी गाड़ी लेके जाता हूँ भाई। गाड़ी में बैठ गए भाई मस्त। मम्मी कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो? मैंने बाद में ध्यान दिया, इस गाड़ी में तो जगह ही कम थी यार, हम सामान लेके आए थे अभी। इस दांतले का काम देख लो कोई भाई, यहाँ से इधर से मतलब ये सारी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हैं, ठीक है लाइन से। अब कोई गाड़ी अगर इसे ऐसे निकलना होगा, किसी को एग्जिट करना होगा, तो वो यहाँ से जगह है। अब ये जगह इसने छोड़ रखी है, यहाँ से मारुति 800 निकल सकती है बस, फिर कोई दूसरी गाड़ी होएगी ना बड़ी तो वो इसमें भिड़ा जाएगा, फिर दांतला किसी से लड़ता घूमेगा। ये नहीं कि पहले ही साइड में लगा दूँ, मेरे को करना पड़ेगा अभी समझदारी वाला काम, बताओ। हाँ तो दिखा दे मैडम ने, ये नहीं ये वाली दिखा, मेरे हाथ ना लगवा यार इस बार। गाइस एक गिफ्ट और मिला है मौसी की तरफ से, अभी तो मैं आवाज आएगी थोड़ी देर बाद, खोल के दिखाऊंगा। झुकना मनाना तो मैंने कहा था सबको हाथ जोड़ लिया, उसके हाथ जोड़ना देख लो कोई। लोग ना हुए तुझे भगा और देंगे सोसाइटी। ये पहना वक्त अब जाकर लोग पूरी सोसाइटी भाई, यहाँ सोसाइटी में वैसे ये अलाउड नहीं होती है चीजें। अब रात अब जैसे 10 बजे नहीं, शाम को 5 बजे के बाद कोई शिफ्टिंग या कोई ठोका पीटी वाले काम वैसे नहीं होते कि भाई कुछ भी कंस्ट्रक्शन चला कुछ भी। और माँ और को पूरा भजन ढोल की ओल की बज रही है धड़ाधड़ धड़ाधड़। सोसाइटी वाले सोच रहे यार ये क्या हो गया यार यहाँ एकदम से ही। देख ध्यान से यूट्यूब थोड़ा सा, थोड़ा ऊपर नीचे हाथ पकड़ ले। और वो तो मेरा कद है जब पोजीशन ना ली, अभी कार कागजी कार्रवाई में हमने पोजीशन, हमारा फ्लैट ही ना है। अच्छा जी, पिटने का काम कर रहा है दादरा, यहीं रहियो आसपास, कहीं कोई पुलिस वुलिस आ जाओ यहाँ, मम्मी धमका भी देंगे किसी ने यहाँ। मम्मी मम्मी के तो नहीं भाई, हमारा घर है। चलो गाइस अपना निकलते हैं, हमारा काम हो गया। इस तरह दादरे इसके वो करो, हाँ क्या वो करवाए यहाँ पे भी, मेहंदी का एक हाथ लगवाया एक घी का, मेरा ना लगवाया यहाँ। तेरा किस लिए लगवाया? क्यों दांत ले, मैं ना हूँ, अगर लगवा रहे तो फिर जोड़े से लगवाओ। क्या हुआ? मैं इंसान ना हूँ? यो बहू है तो कोई वो थोड़ी हो भाई, वो हो गया देखा कितना भेदभाव है आदमी औरत में। काम तूने क्या काम करा बतियो है? एक काम नहीं करा इसने, बल्कि इसने करा दांत लेने, फिर तो इसके हाथ लगने चाहिए थे। अगर काम के हिसाब से हाथ लगो ना, इसीलिए मजदूरों वाले कपड़े पहन लिए थे भाई। इसने फिर गाड़ी यहीं कर दी दांत ले, यहाँ तक गाड़ी मुड़ेगी कैसे भाई? वापस ले जाऊँ? नहीं कोई और आएगा, कोई भिड़ाक चला जाए फिर कैसे मोड़ रहे हो, है ना? की जगह कम है हाँ, वो तो मैं भी वहाँ साथ ही चल रहा हूँ ना, पानी की पेटी लेकर आनी है वहाँ। चल तो चल अपना भाई, तू दे जाएगा, तू फॉर्च्यूनर लेकर ना इसमें यार दांत ला, जो इसकी वो मॉडिफिकेशन करनी थी मेरे को हाँ। मैं वो ना कर पाया आज तेरे चक्कर में मत करे क्यों। चलो कोई बात नहीं यार, आज बहुत काम था, बेचारा बिजी था, इसे माफ कर देता आज के लिए, ठीक है? सुन उसके बावजूद मैंने 2-3 रील बनाई,
सोच के देख कितना बिजी हो, बहुत मेहनत आदमी है, बहुत ज्यादा मेहनत आदमी है। पानी दे जी यार, कौन सा पानी, पानी रखी तो ऐसी ऐसी बोतल रखी है यार, उस फ्रिज में रखा है मैं ठंडी, वो दे जी और वो दे जी छन्नी चाय, चाय छन्नी के लिए मौसा जी कॉल कर, ठीक है चल ठीक है, जा दांत रहे तू भी, क्या याद रख, अभी लेके आऊं, अभी ला रहा हूं, चल दांत ले ला रहा हूँ भाई। अभी हम जो घर पे जो तुमने सीन देखे, मैं सारा शूट कर नहीं पाया, थोड़ी शर्म से आ रही थी, और घर पे अभी ये सारा जो तुमने माहौल देखा ना, ये घर अभी तैयार नहीं हुआ है, इसमें काम चल रहा है, लकड़ी वकड़ी पड़ी है, बल्कि मेरी माँ के तो पैर में लग और गई, कोई लकड़ी पड़ी थी वो पाँव में लग गई, उंगली में और खून आ गए, तो ये अभी काम चल रहा था, लेकिन मम्मी कह रही क्योंकि शिफ्टिंग करनी है दो दिन बाद, तो मम्मी कह रही एक बार पहले हवन कर लो, पूजा कर लो, क्योंकि फिर बेबी का आने का टाइम हो जाएगा, उस टाइम पर शिफ्टिंग नहीं कर सकते, तो इस चक्कर में थोड़ा सा आज इमरजेंसी में हवा ये रखा है, कीर्तन वीर्तन रखे हैं, और कल है हवन सुबह सुबह, ठीक है, तो क्या है, हाउस वार्मिंग पार्टी वही, ठीक है, तो भाई अभी इसके जैसे वो करवाया ना, मेहंदी के हाथ लगवाया, घी का हाथ लगवाया, तो इसका ना वो करवाया, माँ ने कहा कि घूंघट कर ले, तो इसने करा घूंघट करा, मतलब जो चुन्नी थी ना वो इसने यहाँ से यहाँ तक कर ली, यहाँ सर पे, तो माँ कह रही थोड़ा सा लंबा कर ले घूंघट, तो इसने यहाँ तक कर ली, फिर माँ कह रही थोड़ा और लंबा कर ले, तो उसका घूंघट करवा दिया यहाँ तक, इसे कुछ दिखना दिख रहा था उसके बाद कुछ इसे दिखना बंद हो गया एक टाइम पे, इतना लंबा घूंघट करवा लिया, और फिर सुनो ये रूल मेरे को खराब क्यों लगा, इससे करवाया चलो कोई बात नहीं, नई बहू है कोई बात नहीं, मम्मी से भी इतना लंबा घूंघट कर दी, मम्मी सबसे पीछे बैठी वहां भी कह रही, माँ कह रही घूंघट कर ले, मम्मी भी इतना लंबा घूंघट करके बैठी, ये भी इतना लंबा घूंघट करके बैठी, और तो और माँ खुद भी इतना लंबा घूंघट करके बैठी, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है भाई, ऐसा तो कुछ दिखेगा ही नहीं, पर चलो जो भी है, कैसा लगा हमारी देसी फैमिली का वो रीति रिवाज, हाँ समझ क्या क्या बोल रही है, अच्छा जी वरना तेरे को समझ नहीं आता, पहले समझ में नहीं आता था, अभी सारे समझने लग गए भाई, पर तुम देख लो देसी फैमिली में जब कोई मॉडर्न बहू आती है वो अपने आप एडजस्ट कर लेती है, कर लिया ना तूने, आप सब ने कर लिया, हम सब ने कर लिया हाँ थोड़ा बहुत हम सब ने भी कर लिया, इसका आप सबको समझ आ जाता है, तो माँ मेरी माँ तो बहुत स्ट्रिक्ट टाइप, जैसे कि जो बिल्कुल रूल रेगुलेशन फॉलो करने वाली, माँ भी इसका समझ जाती है कि इसको थोड़ा सा नए बाल लगे ना भाई आजकल के, तो माँ समझ जाती है, तो बेस्ट है बेस्ट माँ को पता है इसकी छूट है, कोई बात ना बेटा तू कर ले जो कर रही है कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। गाइज ये चाय छानने के लिए और क्या नाम है ये पानी की बोतल कुछ जतिन शर्मा जी ने फ्रीजर में रख रखी थी घर पे, तो वहां से उठा के लाया हूँ, इसे दूंगा ताकि ये ठंडा पानी पी सके, मतलब सब लोगों के लिए थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ सामान है नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया नया नया घर है, तो ये पार्सल डिलीवर करने के लिए दोबारा आया हूँ मैं एक बार, अब शायद पूरी रात गीत चलेंगे, फिर सुबह सुबह हमें जल्दी आना है, ऐसा सीन है कुछ, तो अभी हम तो चल के सोते हैं, मम्मी और शायद यहीं रुकेंगे या पता नहीं लेट, मतलब जैसे 3-4 बजे जब गीत खत्म करके तब उठेंगे, जैसे भी होगा वो देख लेंगे, सुबह मिलते हैं अब तुम सबसे नई नए कपड़े पहन के, नए उसमें अवतार में कुर्ता पजामा पहन गाऊंगा उसके लिए, हवन के लिए मैंने सोच लिया, अब जिस हिसाब के भी वो होएगा ना उस हिसाब के कपड़े पहना करूंगा, अच्छा लगता है खुद को भी अच्छा सा लगता है। ठीक है गाइस फिलहाल इस व्लॉग को करते हैं यहीं खत्म, अगर तुमने यहां तक वीडियो देख लिया तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।